हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिलीशियस एंड टेस्टी चॉकलेट बॉल्स। ये देखने में जितने यमी हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। इसकी जो फिलिंग है वो हम डेट्स और आलमंड से बनाने वाले हैं, तो ये बॉल्स टेस्टी के साथ हेल्दी भी बनेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और पैन गर्म होने पर 1 कप बादाम इसमें डालेंगे और इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते हुए इसे क्रिस्पी होने तक हम भुनेंगे। बादाम क्रिस्पी हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। बादाम ठंडे हो चुके हैं तो हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और जिस कप से बादाम ली थी उसी कप से हम यहाँ पर खजूर लेंगे। ये सीडलेस खजूर है और अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का मिश्रण तैयार होगा और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें से थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेकर हम इसका बॉल शेप का राउंड बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का हम लड्डू तैयार करेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से सारे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे और यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसके ऊपर हम डार्क और मिल्क कंपाउंड लिया है मैंने 200 ग्राम। आप चाहें तो डार्क या मिल्क एक ही कंपाउंड से इसे बना सकते हैं और इसे हम यहाँ डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर रहे हैं। आप इसे माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट होने पर इसमें हम कटा हुआ वॉलनट ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है पर थोड़ा क्रंची टेस्ट देगा। तो अब हमारी ये जो चॉकलेट है वो रेडी है। तो हमने जो बॉल्स तैयार किए थे उसे हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे हम इस तरह बटर पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स को हम इस तरह से चॉकलेट में डिप कर लेंगे और इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए जो हमारे जो चॉकलेट बॉल हैं वो परफेक्टली सेट हो चुके हैं और इसकी जो एक्स्ट्रा सरफेस है वो हम इस तरह से कट कर निकाल देंगे। ये देखिए ये चॉकलेट्स बॉल को मैं यहाँ आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग वो कितनी जबरदस्त लग रही है। देखते ही मुँह में पानी ला देने वाले इस चॉकलेट बॉल की रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।